गंगा महोत्सव 80 घाट पे हम रिपब्लिक हिंदुस्तान के साथ फिर आ चुके हैं। बनारस घराने के सबसे प्रसिद्ध वायलिन वादक पंडित सुखदेव मिश्रा जी। सुखदेव मिश्रा जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक हिंदुस्तान। नमस्कार रिपब्लिक हिंदुस्तान को। सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ के हमारे जितेंद्र भैया इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, इतना अच्छा कवरिंग आप कर रहे हैं उसके लिए रिपब्लिक हिंदुस्तान और आप लोग को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। सर, आपने बनारस में तो बहुत सारे शो परफॉर्म किए हैं जी, और जुगलबंदी आपका फेमस है जी, सारे लोग पसंद करते हैं जब आप पंडित जी के साथ जुगलबंदी करते हैं, तो ये सर जोड़ी आपकी कैसे बनी सर? एक्चुअली हम लोग स्टेज पे करते करते, जैसे हम लोग कुछ अच्छे म्यूजिशियन सिंगर्स के साथ प्रोग्राम करते थे तो बीच में थोड़ा सा पार्ट मिलता था तो उसमें हम लोग ट्राई करते थे, तो वो इम्प्रोवाइज करते करते वो बनता गया और ऑन स्टेज होता है, हम लोग कभी रिहर्सल नहीं करते उसका। अच्छा सर, ये बताइए, वायलिन तो वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है और हमारे यहाँ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत है, सितार है, तो आपने कहाँ से प्रेरणा ली वायलिन सीखने की कि हमको वायलिन ही बजाना चाहिए? एक्चुअली हमारे बनारस घराने में, हमारे घर में सारंगी, तबला, सितार ये सब सब है, लेकिन हमारे पिताजी चाहते थे कि थोड़ा अलग हट गए हो, कि हम लोग के यहाँ ये था, तो उनकी इच्छा थी कि थोड़ा दूसरा इंस्ट्रूमेंट आए घर में, तो उनके एक मित्र थे अशोक गोस्वामी जी, जिनसे मेरे बड़े भाई, जिनसे मैंने वायलिन सीखा, उन्होंने सीखा पहले, सोमनाथ मिश्र जी, पंडित सोमनाथ, उसके बाद उन्होंने हमको सिखाया, तो फिर मैं धीरे धीरे इसमें ही आगे बढ़ता गया। सर, वायलिन में तो सुनते हैं कि बहुत सारे राग जो होते हैं बहुत टफ होते हैं बजाने के लिए, जैसे आप लोग मीड है, गमक है, जमजमा है, तो ये सब वायलिन में चार ही स्ट्रिंग होती है, उसमें आप परफॉर्म करना होता है, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? देखिए, चैलेंजिंग तो होता ही है, और हम लोग का संगीत तो बहुत डीप और बहुत रियाज की चीज़ है, लेकिन हम एक चीज़ कहेंगे कि आप जितना रियाज करेंगे, जितना वर्क करेंगे, ये सब चीज़ धीरे धीरे ईजी होता है, क्योंकि स्टेज पर जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा उसको, मतलब हम सोच के नहीं बजा सकते, वो ऑन फ्लो बहता है, ऑडियंस होती है, आप लोग जैसे भाई लोग होते हैं तो वो एक वाइब्रेशन मिलता है वहाँ से, और वो इम्प्रोवाइज धीरे धीरे होता रहता है, तो उतना आपको रियाज करना पड़ेगा, और रियाज और साधना करने से ही वो धीरे धीरे बैठता है हाथ में। अच्छा सर, बहुत सारे म्यूजिक के घराने हिंदुस्तान में हैं, बनारस घराना है, मैहर घराना है, किराना है, ग्वालियर घराना है जी, और इनको कैसे भिन्न पाते हैं, जो अपना बनारस घराना है ये कैसे भिन्न है सारे घराने? देखिए, बनारस घराने का जो गाना बजाना है ना, वो बहुत ओपन है, ओपन मतलब खुला बाज जिसको बोलते हैं, तो यहाँ एकदम वो खुला वादन और खुला वो परफॉर्मेंस होता है, वो अलग होता है। बाकी देखिए, हर घराने में एक क्वालिटी होती है, एक वो होता है, बनारस घराने की बहुत सी अच्छी अच्छी बंदिशें हैं रागों में, इतनी सुंदर सुंदर पुराने हमारे गुरुजन लोग बना के गए हैं, ऐसी ऐसी बंदिशें हैं, सुनते रहिए, देख क्या उसका चलन है, क्या उसका जगह है, तो वो सब चीज़ एक अलग है, हर घराने में अच्छी चीज़ें हमारे पूर्वज लोग, हमारे गुरु लोग छोड़ के गए हैं, हम लोग उसको खाली साधते पूरी लाइफ निकल जाती है, लेकिन वो सब चीज़ बहुत ही अलग है, तो थोड़ा यहाँ का बजाना जो है वो डिफरेंट है, खुला बजता है, जैसे धा धा ये हुआ, अब धा ऐसे बजाए एक साउंड, धा बोले तो एकदम, तो वो बनारस का एक अलग अंदाज है। एक सर और एक क्वेश्चन है मेरा, भारतीय क्लासिकल संगीत और कर्नाटकी संगीत जो क्लासिकल है उसमें क्या कुछ अंतर है क्या? एक वो स्टाइल का अंतर है कर्नाटक में, और हम लोग जैसे हम लोग का जो वो होता है, जैसे विलंबित हम लोग बजाते हैं, ख्याल होता है, जब हम लोग जो चीज़ सोचते हैं वो पूरा एकदम, ख्याल मतलब क्या होता है, ख्याल मतलब जो आप इमेजिनेशन होता है, तो वो पूरा इमेजिनेशन होता है, जब स्टेज पे बैठते हैं तो हम लोग को राग पता है, ताल है, लेकिन जो इम्प्रोवाइजेशन है वो आपका अपना रियाज और वो होता है। कर्नाटक म्यूजिक में बहुत चीज़ फिक्स होता है, लोग की जो बंदिशें हैं, जो उनका इम्प्रोवाइजेशन है, उनका रिदमिक पोर्शन ज़्यादा होता है। Balamurali Krishna, yes, was of course a great singer, and he could improvise. Yeah. Basically, but yes, as you say, it's fixed Carnatic music. It's not fixed, but something like for us, like if I have bandis, and after bandis we improvise totally. The tihais and alap and tan, it's not said, but
somehow I feel like, because I love Karnataka music, I play with many good musicians from Karnataka. I just accompany with very good singers from south, and they came here from very big puja, and I 3 days I work with them, and it was so beautiful. I really love, and it's different style. Like gamak, we are using gamak with slide, but Karnatak music in violin they are using gamak with vibrations. This is different. Very different. Like da 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 or da da. This is different. Same thing, but different sound. अच्छा सर, गुरुजी ये कह रहा हूँ कि स्पेनिश म्यूजिक है, ब्राज़ीलियन म्यूजिक है, और वेस्टर्न सोसाइटी में फ्यूजन म्यूजिक का भी है, इसमें नए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, उनके साथ भी आप संगत किए करते हुए मुझे देखे गए हैं, मैं आपका वीडियो हमेशा देखता रहता हूँ, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? एक्चुअली आई लव म्यूजिक, तो मेरे लिए कोई भी संगीत हो, अगर वो सुकून और चैन देता है और अच्छा संगीत होता है, तो मैं उसके साथ वर्क करना पसंद करता हूँ। और कुछ नए चीज़ों को हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आए। मैंने फ्लेमिंगो के साथ किया है, जैज म्यूजिशियन के साथ, आई प्लेड विद जैज म्यूजिशियन, बहुत अच्छा। फोक म्यूजिशियंस के साथ वर्क किया, और टेक्नो म्यूजिशियंस के साथ भी किया, जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, जो कंप्यूटराइज पूरा है, लेकिन जब उसमें हम लोग का राग और हम लोग की मेलोडी जाती है ना, तो वो इतना सूदिंग होता है इलेक्ट्रिक, लेकिन उसमें जब आलाप जाएगा, किसी अच्छे राग का आलाप, जैसे वो जो कॉर्ड बनाए हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अच्छा ये आलाप इसमें फिट, ये राग फिट होगा, तो वो राग जब हम उसमें बजाते हैं और जब आलाप करते हैं, कितनी कितनी बार हमने देखा है कि योगा फेस्टिवल में हम लोग बजा रहे हैं, 300 लोग बैठे हुए हैं और सब मेडिटेट हो गए, सब मतलब एकदम आँख बंद करके ऐसे पड़े हैं, उनको टच करना पड़ता है कि भैया ख़त्म हो गया है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल हमारा संगीत है, तो उनके साथ जब मिक्स होता है, हम उनके हिसाब से नहीं, उनमें अपने संगीत को डालते हैं, और इस तरह से वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उनको पसंद बहुत आता है, तो हमको अच्छा लगता है। फ्लेमिंगो म्यूजिशियन जो है, उसका अगर हिस्ट्री पढ़े तो वो राजस्थान से और धीरे धीरे होते हुए गया, तो उसमें भी आलाप वगैरह होता है, जब वो डांस शुरू करने के पहले वो आलाप करते हैं, वो ऑलमोस्ट हम लोग की तरह ही होता है। तो मैंने इंस्ट्रूमेंट अलगोजा और रावण हत्था एक होता है, मैं राजस्थान में था, तो मैं काफ़ी म्यूजिक इंजॉय किया उसका। और अच्छा सर, ये एक और क्वेश्चन है कि ये आजकल साउंड इंजीनियरिंग का ज़माना है, साउंड इंजीनियर्स होते हैं जो आपके लैब्स हैं, रिकॉर्डिंग लैब्स हैं, तो उनका क्या रोल है, और क्या वो म्यूजिक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या म्यूजिक को इन्हांस कर रहे हैं, म्यूजिक की क्वालिटी? नहीं, देखिए साउंड इंजीनियर का काम है संगीत को और प्लस करना। जैसे हम वायलिन बजा रहे हैं तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में क्या इंपॉर्टेंट चाहिए इफेक्ट या जो भी, वो साउंड इंजीनियर को पता होना चाहिए। ये जो माइक है, ये माइक की फ्रिक्वेंसी क्या है, ये उनको पता रहेगा, तभी वो वर्क कर सकते हैं अच्छा। नहीं तो वैसे तो सभी लोग साउंड तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन जो साउंड इंजीनियर होता है ना, अच्छा साउंड इंजीनियर होगा तो बहुत मज़ा आता है, अदरवाइज थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है, क्योंकि वो फिर कोई ऐसा चीज़ इफेक्ट डाल देगा, देन अब सेम टोन ऐसा बनाएगा कि लगेगा कि क्या करें। और कभी कभी साउंड अच्छा साउंड इंजीनियर होता है तो लगता है कि कितना बजा है, केवल वो रखने के बाद लगता है कि वाह क्या बात है। तो ये चीज़ होना चाहिए, तो हमको लगता है कि जो एजुकेटेड साउंड इंजीनियर हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो लोग बहुत प्लस करते हैं, और अब हम लोग को चाहिए भी होता है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, साउंड रहेगा तभी तो उसमें मजा आएगा, इतने लोग सुन रहे हैं। आज इतना अच्छा आयोजन गंगा इसका काशी गंगा महोत्सव का हो रहा है, हमारे जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की तरफ से हम बधाई देना चाहते हैं इतने अच्छे आयोजन के लिए, और इतना बड़ा आयोजन करने के लिए बहुत बहुत ही वर्क लगता है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जुड़ा भी हूँ, और ये इतना आसान नहीं है, तो हम लोग को और अप्रिसिएट करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपके तो बहुत सारे कंपोजिशन हैं, आपने गणेश वंदना भी सुनाई और बहुत सारे। अच्छा सर, फोक जो यहाँ का लोक संगीत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कजरी है, यहाँ पे ख्याल है, दादरा है, मतलब ये जो हम लोग फोक संगीत घाटों पर गाते हैं, और
बहुत सारे फेस्टिवल है, बुढ़वा मंगल वगैरह, सर क्या कहेंगे? देखिए फोक संगीत तो बहुत ही रस है हर जगह का, आप कहीं का राजस्थान का लीजिए, उत्तर प्रदेश का लीजिए, बिहार का लीजिए, वो हम लोग बजाते हैं। और कजरी वगैरह तो बहुत प्रसिद्ध है भाई। और आपको पता है जो फोक संगीत होता है वो स्थानीय संगीत हम लोग बोलते हैं, उस जगह का प्रॉपर वो कंपोजिशन होता है, वो गीत होता है, तो वो उस एरिया को प्रेजेंट करता है। और हम लोग बहुत और बहुत सी चीज़ें फोक संगीत से शास्त्रीय संगीत में आई हैं, तो हम लोग तो बहुत चीज़ उसका यूज़ करते हैं, हम बजाते भी हैं कजरी वगैरह। और बनारस तो खैर ठुमरी दादरा चैती कजरी होली प्रसिद्ध है ये सब के लिए। कुछ सुनाना चाहेंगे सर फोक में अगर आपको अच्छा लगे? क्या क्या सुनना चाहेंगे जो सर आपको याद पसंद हो और याद आ रहा हो? एक्चुअली मुझे, मैं कंपोजिशन करता रहता हूँ, लेकिन अब अगर आप दादरा की बात करें तो मैं आपको एक दादरा सुना दे रहा हूँ। स ग म प नि स नि स नि द र द द, ये राग मिश्र प्रमाद में है। द डगर बिच कैसे चलूं मगरों के कन्हैया बे पीर, डगर बिच कैसे चलूं मगरों के, हाँ हाँ जी मगरों के, हाँ हाँ जी मगरों के कन्हैया बे पीर, डगर बिच मैं जमुना जल मरन जात रही, मैं जमुना जल मरन जात रही, थाड़ जमुना के तीर रे सखेरी मगरों के, हाँ जी मगरों के, हाँ हाँ जी मगरों के कन्हैया बे पेड़ डगर बिच। ये थे गंगा किनारे के पंडित सुखदेव मिश्रा, जिनके वायलिन की धुनें आज बनारस ही नहीं पूरे दुनिया में डंका मचा रही हैं। बनारस वो बनारस वो शहर है जिसके हर कणकण में रस है, भगवान भोले का शहर। आज बनारस में गंगा महोत्सव हो रहा है, कल देव दिवाली होने वाली है। इस खुशी में हम यही चाहते हैं कि दूर दूर से लोग बनारस को ज्वाइन करें और गंगा महोत्सव का आनंद लें। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए अंकुर द्विवेदी।